मनी नाम रहीम गुलाम है, ताल्लुक चले आ रही है। उस्ताद जाम अहमद शुरुआत से मैंने 10 कप था बिंदा था। उस्ताद जाम अहमद ही मैंने सर सोच कर गए और आई तो कमा मोस्टली ड्राई मीडियम भीतर पेंसिल और पेस्टल वर्क हमें चीज़ सिकता ही करा छे और अंगा भी मैं जस्ती हमें कारा सिक गए मजीद छे के आर्ट बलाएं धरे हैं अंगा मैं इच न सिकता अंगा उस्ताद अंगा मैंने हेल्प करने गए और मैं कार सिक गया भी जागा ना सरसोच भी करने गए कोई तासुब बुनियाद नहीं इसते बलोच है अर्ची कहे गए आइए मैं एक्सेप्ट करने आया ना आर्ट सिक्का नहीं स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक जो काम था वो ये था कि हम पेंसिल से स्टार्ट करते थे। एक स्ट्रक्चर था हमारा जो बुनियादी चीज़ होता था। तो इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम शेडिंग पर आए, टोनिंग समझ गए। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक साल के बाद मैं कलर की तरफ आ गया और ये इसका सफ़र बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुसलसल एक सीखने का अमल होता है। आर्ट का ताल्लुक मेरा स्कूल टाइम से ही, मैं अपने भाई से इंस्पायर हुआ था तो आर्ट का शौक़ मुझे उसी से हुआ था। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता रहा। मेरी मैट्रिक हुई, उसके बाद 6 महीने जो होते हैं बीच में एक्स्ट्रा, उस पर मैं उस्ताद रहीम वालों की जगह पे गया। वहाँ पे मुझे अलग अलग मज़हब के उस्ताद मिले, हिंदू भी थे बलोच भी थे। तो इनसे मतलब सीखने के टाइम पर मुझे ये समझ आई कि ये जो बीच में मज़हब की बात आ रही है वहाँ पे ये सीन नहीं थी। सर रहीम बास शर्रे सर और मारा जस्ते बास सही तरीके मतलब छे गाइड का मतलब छे ऐसा मारा करने की माँ लूटा के अमा मर्दों अमा चुक मई जो नस्ल मई अगर आई वागदारी के माँ हम अमी आर्टर नहीं बिसेक का ये हुनर या ये फन ना हासिल बिकना तो आइयारा मनी पे मैं जोत कनक मपली आ अंचु लोगा ची दरबे ये आट ये पादा ना बुचुकी। ये एक ऐसा चीज़ है इसका कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई इंसान पाबंद नहीं रहता। जहाँ इंसान को आज़ाद होना चाहिए, अगर वो इंसान ज़हनी हवाले से या जिस्मानी हवाले से आज़ाद हो वो आर्ट के हिसाब से चल सकता है। मनी जिंदे केरा चुशी बिल्कुल चेन अभी तक कि हमारा शुरुआत अच्छी इंसान थे बार बार सोच देख भी था और मनी पहला जैसे कार ही हमेशा कि मैं आगा समझे ना कि दा इंसान बलाएं चीज़ें कम्युनिटी ने ये मई इदारा है तो का ये चीज़ नीचते एक मकसद ये भी शामिल है कि तो कार बिला लिहाज ज़ुबान रंग नस्ल मजहब अकीदा दो मर्दों हर किसी मर्द में से यार कम्युनिटी ताल्लुक बिदारी थे इदा कहते ना वो तरह यक्की समझी। हम यहाँ मेहरवा आर्ट इंस्टीट्यूट में चाय के बगैर आर्ट नहीं करते। ये तो रूटीन है कि हम हर दिन करते हैं और चाय बनता भी है, कंट्रीब्यूशन करते हैं हम सब लोग, यानी बच्चे हैं ना तो करते ये हैं कि सब 10-10 रुपया या 20-20 रुपये लेके मैं लेता हूँ उनसे तो जाता हूँ ये यूँ समझे कि दूध लेके आता हूँ, चाय पत्ती वगैरह ये तमाम सिस्टम मेरे हाथों में है तो मैं चाय बनाता हूँ उनके सामने देता हूँ तो वो चाय पीते हैं और मेरे ख्याल से और जुनून उनका बढ़ता है और वो आर्ट करने लग जाते हैं। वो देखना चाहे नजर ना मेरा नाम मीत कुमार है और मैं बिहार कॉलोनी में गलियारी में मेरी रिहाइश है और ये जो मतलब कि सिंगिंग वगैरह ये सब ये मेरा बचपन से शौक़ था। दादी वगैरह ये लोग दादा सब पापा सब गाते हैं तो मतलब कि ये टैलेंट है मगर वो छुपा हुआ है। ओ मना चाबी वसे दिल दिला जीवार मन मनी खाली कार हमें कमो म्यूजिक अच्छी मतलब मैं ताल्लुकदारी म्यूजिक को मैं अपनी बात शौक की चीज़ें वो चुना या मन उसका नूरखान विजन जो अच्छे बाज मुतासर भी तो आयर मैं गोज दश था वो मनी को आश अमी भी था कि मन भी चीज़ें संगीत तो का हासिल बिकनी पतई जी। मनी नाम कबीर करार हैं, मां
म्यूजिकली बुनियाद अच्छे कसानिया शौक दाश्ता मैंने म्यूजिक शौक बुनियाद अच्छे आस्ते हैं कसानिया अच्छे मैं शौक दाश्ता और मनी संगत वारिस सुना संचो मनी अमरदार है मनी उस्ताद है मैं बुनियाद अच्छे अमाइए घुमा अमाइए कर यानी कि अच्छी आइए जानता मना गुशगे रोच मरछी है धंके मैं अमाइए कर सकता हूँ बंग नबी मेरा नाम चंगेज़ बलोच है और मेरा ताल्लुक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी से है। मैंने और मेरे दोस्तों ने माटी टीवी के तवस्सुत से एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया है जो शांति निकेतन से लेकर मेहरवान आर्ट इंस्टीट्यूट का सफ़र है। इसके अलावा वहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी हमने देखी वो हमने देखी और महसूस भी की और आप भी इस डॉक्यूमेंट्री में उसको देखेंगे और महसूस करेंगे।